लॉकडाउन का पालन न करते हुए लापरवाही करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। बिना कारण बाहर घूमने वालों पर मनपा और पुलिस अब सख्ती के मूड में आ गई है। अब जो कोई भी वाहन चालक या नागरिक बिना कारण बाहर घूमता पाया गया तो नाकाबंदी पॉइंट पर उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इसका एक प्रस्ताव मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पीडी विशेष शाखा के उपायुक्त बसवराज तेली को भेजा है। तेली ने इस प्रस्ताव की जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को दी है। अधिकारियों से चर्चा करने के बाद पुलिस आयुक्त ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। बाहर बढ़ती भीड़ पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा यह कदम उठाए जा रहे हैं। इस उपक्रम से भीड़ पर नियंत्रण का दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसका कोई असर लोगों पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना की भयावह तस्वीर आज सबके सामने है। इसके बाद भी लोग जानबूझकर घरों से बाहर निकलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी में जो भी वाहन चालक बिना कारण घूमता दिखा उस पर कार्यवाही भी की जा रही है, परंतु अब लापरवाह लोगों पर कार्यवाही के साथ साथ उनका नाकाबंदी पॉइंट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अभी किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा। नाकाबंदी पॉइंट पर जांच होते ही वाहन चालकों को सीधे क्वारंटाइन सेंटर में रवानगी की जाएगी और उसका वाहन संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा किया जाएगा। आज पुराना काटोल नाका चौक पर इसकी शुरुआत हुई है, जिस पर स्पॉट पर ही 10 मिनट के अंदर ही 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। शहर में कुल 5 जगह पर यह एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर यह मुहिम को शहर के विविध जगहों पर चलाया जाएगा, ऐसा सीपी द्वारा कहा गया है। इसे देखते हुए लोगों को अब संभल जाना चाहिए। शहर में कोरोना की स्थिति इतनी भयावह हुई है, जिसको देखते हुए जो लॉकडाउन पूरे राज्य में लगाया जा चुका है और जिस लॉकडाउन के चलते हुए भी लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, घर से बेवजह बाहर निकल रहे, उसको लोगों पे रोक लगाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरह पीछे जो है बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को यहाँ पर रोक कर जो है यहाँ उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उन्हें कोविड सेंटर भी भेजा जाएगा। हमारे साथ शहर के पुलिस आयुक्त मितेश कुमार जी हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो है यहाँ पे जो है टेस्ट कोरोना मतलब बेवजह निकलने वाले लोगों की जा रही है, उसके बाद क्या पूरा मतलब किस तरह का इनका ये रहेगा, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट दी जाएगी क्या? जो भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा उसको 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, उसके लिए व्यवस्था तैयार की गई है। और ये अभी शहर में 5 जगह इस प्रकार की मुहिम शुरू की गई है और जरूरत पड़ी तो इसको आगे और बढ़ाई जाएगी। लगता है इस ये जो अगर मतलब का इस तरह का मुहिम चलाई जाती है तो कहीं ना कहीं बेवजह जो घर से बाहर निकल रहे लोग कहीं ना कहीं रोग लग पाएंगे इससे। डेफिनेटली ये भी एक इंटेंशन है कि लोग जो बिना कारण बाहर निकल रहे हैं वो नहीं निकले, और दूसरा जो लोग पॉजिटिव हैं और बाहर फिर रहे हैं जिसके वजह से वो सुपर स्प्रेडर्स टाइप के हो रहे हैं, उसमें भी कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो एक ये भी कारण है, एक ये भी मतलब पॉइंट है कि अगर बेवजह निकलने वाले जो है और अगर वो स्प्रेडर है, संक्रमित है, तो यहाँ वो मतलब ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद जो है जो स्प्रेडर कहे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप होने के बाद उन स्प्रेड जो है शहर में नहीं होगा, और जिस तरह से शहर की भयावह स्थिति हुई है कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में आ सकती है, ऐसा भी इस मुहिम के द्वारा हो सकता है, ऐसा पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार इनका कहना है। ऐसे 5 जगह या इस तरह के जो है मुहिम जो है ये चलाई जा रही है शहर में, और ज़रूरत पड़े तो आगे भी यह मुहिम और जगह की जाएगी, ऐसा भी बताया गया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।